बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्ता खेड़दा हज़ारा देखना सुनना वालियां को शाजी दा सलाम। हस्ता खेड़दा हज़ारा जिहड़ा हस्ता इनको दा प्रोग्राम क्राइटेरियन टीवी नेटवर्क तो हर जुमे सोमवार सी कहन के जुमे तक 5-6 बजे तक लाइव पेश किया जुलता है। तो इनको दे बदावे दा प्रोग्राम है, तो सारे देखना सुनने वाले को इसका पता है। तो इस दे पहले हिस्से विच असी कुछ इनको दे बारे विच गलकत करते होंगे। तो अज मैं गलकत काटी करसा, अज मैं गलकत करसा एक जी शायर दी, जड़े हुण ते इस दुनिया तां नहीं रहे, लेकिन उन्होंने शायरी हिंदको दे हवाले नाल हमेशा जुग जिंदा रहे सी। अस ते बड़े मेहरबान, बड़े अच्छे उस्ताद, बल्कि हिंदको दे खास तौर पर मानसरे दी हिंदको दे लहजे वे ओ कर्नल फजले अकबर कमाल, उन्हें बारे में पहले भी एक दफा थोड़ी जी गल की सी। अज मैं उन्हें बारे में उनकी एक किताब है टहल सेवा, उस विचों कुछ प्रसंग सुना सा भी। तो मैं इन्हें दसता कि वह कौन इन केन वो आप के आखते ना अपने बारे में, वो ते दुए लोग जड़े हैं शायर उन्हें शायरी के बारे में क्या आखते हैं पेश कर सा। फजल अकबर कमाल साहब की किताब है टहल सेवा, ए इनको दी बड़ी अच्छी किताब। इस बिच हर किस्म दा इनको दा रंग तो संग मिलसी, संजीदा शायरी भी, मजाइया शायरी भी, तंजिया शायरी भी, अस्ते रस्म और रवाज, शादी ब्याह दे जड़े हैं उन्हां नाल, शादी दे मौके तक गाने वाले गीत जड़े हैं, और दोए माइए संजीदा तसव्वुफ दी शायरी, सब कुछ इसमें मिलसी है। टहल सेवा उन्हां दी जिंदगी दा जड़ा है एक पूरा शुरू सी कहन के आखिर तक उनकी जिंदगी का सफर जड़ा है वो किस तरह उन्होंने देखिए चीज़ों को वो इस बे दसियन। तो अनीब साहब वास्ते अनीब लाला ने जड़े हैं इनको दे बड़े अच्छे शायर हैं शिनकारी दे, इन्होंने बारे में आखते हैं कर्नल साहब इनको दे उस्ताद शायर हैं, तो उनकी शायरी हजारे की खुशबू नाल भरी दी है। वो जितनी आसानी नाल शायर आखते हैं आदमी हैरान हो जुलता है। उनकी किताब इनको शायरी को असमाना दर इंशाला खड़सी, उन्हें इनको शायरी को फैलन फैलन को लोकट के दुनिया फारसी बहरा दरान दे, ते इस तरह इसका कैनवस मुच वसी कर चुड़िया है। मुझे यकीन है कि पूरे खलूस नाल कीती दी ए शायरी आना वाले वेले जोग एक मयार बनसी। ये अनीब साहब नहीं उन्हें बारे में चाहते हैं। तो इसी तरह सुल्तान सुकून साहब अस्ते न सिर्फ हजारे दा बल्कि पूरे पाकिस्तान दा एक बहुत बड़ा नाम उर्दू और हिंद को बेच, उन्हें बारे में लिखते नहीं सी टहल सेवा दे वाले नाल सतरंगी शायरी वास्ते। फजल अकबर कमाल दी इनको शायरी उस दी अपनी जात ते शख्सियत दा अक्स है, वो जिस तरह दा भी है ते वो जिस तरह दी जिंदगी गुजारदा है शेरां विच बयान कर छुड़ी है। जित्थों तक फजल अकबर कमाल दी शख्सियत ते एक इंसान होने दा तालक है, कमाल है खुश तबा आसमोक, खुश मजाज, खुश ख्याल ते खुश इकबाल इंसान है। मैं समझता जिथा फजल अकबर कमाल हो सी उथा कसा उदासी, कसा खफगी, कसा गम दुख का गुजर न हो सी। मैं उन्होंने लोगों को खुशकिस्मत समझदा जिन्हों का तालक कसा भी हवाले नाल फजल अकबर कमाल नाल रेंदे, चाहे वह कमाल दे घरा वाले होवन, दफ्तर वाले होवन, चाहे खानदान वाले होवन या गैर होवन, बस यही कोई टहल सेवा है। तो मैं उन्होंने क्या तो उन्होंने खुशनसीबा बेचो हाँ कि माड़ा तालक भी फजल अकबर कमाल साहब नाल बड़ा रहा है। असानी एक तंजीम अदबिस्तान हजारा होंगी सी, उसके सदर होंगे से इरशाद शाकर साहब सैकटरी होंगे से, तो उस वक्त मैं उन्होंने जॉइंट सैकटरी उस तंजीम का होंगे सर, इसते प्रोग्राम महफल मुशायरे होंगे रेंदे से। तो हम फजल अकबर कमाल साहब अपने बारे भी क्या आखते हैं ये जरा, तो फिर एक नज़म तो सुना सा उन्होंने ना माड़ा, इस किताब के शुरू में लिखते हैं ना माड़ा। मैं फजल अकबर कमाल हाँ, इनको दे सिर्फ मनसेरे दिले जी की नुमाइंदगी करदा। तुसा जरूर एक किताब करिए करिए पढ़ के दियो, असी इस किताब के बारे में आखते हैं टहल सेवा के शुरू में लिखते हैं। मैं भी इसी तरह करदा, शहर पसंद आए तो फिर तबसरे भी पढ़ के आंदा। जे तुसी इस तजर्बे तो खैरी नाल मुड़ आए हो तो अल्लाह बिस्मिल्ला मड़ी जुगनी दे तागे चार, और कान मड़े दर करो कुछ शहर लिखे पहलिया वो सुनो। सन चाली एक नंडा जमया, ना प्यो फजल अकबर रखिया, खुशाले बफे बिच पढ़िया, फिर कराचियो टाके पहुंचया, ए डाका, फिर कराचियो टाके पहुंचया, टाके बिच आई एस एस बी होई, कोर्स 31 PMA दा,
31 PM सिग्नल बिच कमीशन मिलिया ग्रेजुएट स्टाफ कॉलेज का 61 जंगा बिच इस खास बड़ा कोई तीर नहीं मारिया 59 तक इस पाक फौजा का राशन खादा अपने बारे में ये लिखते हैं। तो मड़ी एक और गजल है दे दो शेर भी सुन के नूं गल पूरी हो जुलसी सन 40 दे बेजा वाले पार ते कार बदल दे जुल दिन तेल दिए दा मुन जुल लगे बड़क बड़क के बल दे जुल दिन ये सन 40 दे पैदाइशन दी उस दस दिन ते अगा तिन आने सी अखीर तो पिछे दुरमुड़े मुड़दे हाँ जिथे तक मड़ी यादाश्त काम करती है मड़ा पे मौके की मुनासबत नाल शेर पढ़दा हुंदा सा मड़ी माऊ को कच्ची पक्की रोटी इस्लामी तालीम की बुनियादी किताबा दो सारे शेर याद है असे वो तरनम नाल अरबी दे शेर भी बगैर समझिया पढ़ दिया सी वरे के मजाल के वजना तो आटके पढ़े चाचा मोहम्मद जमान भी उर्दू ते पंजाबी दे शेर कदे कदे खूबसूरत तरनम नाल सुनांदे असे ज्यादातर उस दौरा दे शेर हुण भी मड़े आपसे बिच महफूज हैं वो वेला च क्या दासा बस थोड़ा जिहा फिर बफा आ गया बफे दे मौला बिच भी कसा ना कसा तरियां शायरी होंदी सी माशकी पानी घरां बिच पहुंचांदा सा उसको हर घर तो दुपहरी ते शामी एक रोटी मिलदी सी वो अपनी जरूरत तो अलावा बाकी रोटियां बेच छोड़दा सा रोटी के अन्ना जोगे वो हर बूहे ते आवाज मारदा सा पंडा देव जी जदों उसके घर असते कार आवाज मारे तो मैं हमेशा नवे नवे टोटे जोड़दा करा बंडा देव जी तपेदानी ते ठंडा देव जी बंडा देव जी ब्याहदानी ते रंडा देव जी पाकिस्ताना दा चंडा देव जी माशकी भी खुश ते मैं भी खुश टंगलाई ढाके तो जुला ते माइये गावा ज्यादातर अपने बढ़ाए दे स्कूल दे ते गल ही और सी कितने ही जमाने गुजर गए 16 तक पहाड़े होने भी याद हैं उस जमाने बिच रुपए दे 16 आने होंदे से ते 16 आने सच्चे मुहावरे भी बोले जुलदे से असी अखीरी पीढ़ी बिच गा के पाड़े पढ़दे से हाँ वो पाड़े सहना बिच ते जबाना ता हुण भी उन्नी सुरां बिच आ जुलदे इसी तरह जोग्राफी रियाजी ते आम जिंदगी बिच भी सुरा से पाड़े जी एक दूना दूना दो दूने चार इसी तरह वो अगर जड़े जोग्राफी बिच असते इलाकों के ना से वो भी एक तरनम बिच होंदे से फिर अगर अलजबरे बिच भी ज्योमेट्री बिच भी ते आम जिंदगी बिच भी आते हैं सोरा सा ये सारा लिखते ना गया कि जी आम जिंदगी बिच वो आते हैं कि टोल बजदा ते नाल में अपना गाना शुरू करके अंदा सा डम कडमा डमा डमा डम कडमा डमा डमा और अहियां मेल लोगों दी गलां विचों भी फिक्रे चा के अंदा सा ते फिर मौके तां मौका मिल दिया गुनगुनाना शुरू करके अंदा सा जन का तू एक काम कीता ही की है ओ जागी मुको नींदर आ गई मतलब ये है कि थक गया मुझ सारा ये गलां ना सुन अपनी जिंदगी दियां कीतियां ते कियां इसको वो अगर दिन के इस मजमूए को मैं अपने बचपन तो शुरू करके जवानी और दैर उम्र ते बुढ़ी में तो गुजार के कबरा तक पहुँचाए पता नहीं आई आंदे यानी वर में ख्याल बिच ये सफर लंघा छोड़िए नकादा सुन जंगी बाब कट छोड़ेन फिर से ही शायरी दे अच्छे होना बिच इख्तलाफ हो वक्त है वरे मड़े मकसद नाल शायद कसा को इख्तलाफ ना होवे वजह मादरी जबाना बिच हर उम्र हर रस्म ते हर तकरीबा बिच ख्यालात ते जज्बात ते सच्चे खरे फौरी खूबसूरत ते मुनासब हजार जोगे शेर होने चाहिए ते मैं लिखेन हजारे वाल शायद इस जोगे भी मड़े को खुश हो मैं हुसैन कि मैं उन्हें को शादी ब्याह दे गीत इनको भी लिख देते हैं ये सी जी अंगल करते होने अपने सस्ता खेड़ हजारा प्रोग्राम बेच के हर मौके ता हरी जाई ता सी सोनी जबान इनको जड़ी है उस वास्ते ना खास तौर पर कर्नल साहब सुन हर मौका जड़ा शादी के मौके होने शादी दी जितनी रस्म होनी मंगड़ी सी कहन के आखिर तक वो सारे उस मौके भी इन्हें गीत गाने लिखे दिन ते ए तुसा सुनन दा अपना तारफ जड़ा उन्हें आप कीते अपनी जिंदगी दे बारे बिच कि उन्हें को जिंदगी दे हरी पहलू ता हरी जगह ता जिड़ी जिड़ी जई तो गुजरते रहन जिड़े स्टेज तो उम्र दे तो गुजरते रहन उतो उन्हें को ए तरन्नम मिले उस बिच एक तरन्नम सुर अस्ती इनको जबान बिच सोहनी मिठी सुरीली जबान इस चुग में इसको आता होना जी उन्हें माशकिया की गल की फ्रैक दूना दूना दो दूने चार वो आंदे से काला टाका टांग लाई बेंगड़ा इस तरह दिया वो इस रिदम पढ़ते पढ़ाते होंगे उस्ताद ये उस वेली दल इन्हें कीतियाँ
ते आने दी मैं एक नज़म तो सुनाना, बड़ी मशहूर नज़म है, गाई दी भी है। ते उस तो पहले एक और गल सुन शायरी दे हवाले नाल, वातन के एक अनीफ ते अनीफ अपने लाला अपने शगिरदा को कुड़िया का पिछा करता देखिया ते आखिया जिस पासे कुड़ियां उधर ही जुलसी। आतन में बैठे दसा मैं शहर बड़ा के दा कदे ना कदे ते उधर ही जुलसी। इस तो उनका अंदाजा लाओ शायरी दर शुरू सी। पहलवान गुलदीन मालिक पहलवान चप्पल स्टोर सुन मुख चैलेंज किया, कर्नल साहब मरे तो शहर आखो ते तां तो संको शायर मन सा। अरज की उठ गुलदीना छोड़े रंबी पा काछा ते लाड़े तंबी आ में तुड़ी पहलवानी देखा आ शड़का ता लावा चंबी। ते ए जी शहर आखना वाले कर्नल फजल अकबर कमाल है जैसा समझनी, लेकिन उनकी ये शायरी हमेशा अस्ती हिंदको बिच खास तौर था। उर्दू की भी उनकी बहुत अच्छी शायरी, उर्दू किताबा भी उनकी आई दी, लेकिन हिंदको की ये टहल सेवा जी उन्हें की है ये मेरा ख्याल है जदू तक हिंदको बोली जुलसी पढ़ी जुलसी सुनी जुलसी तो कर्नल साहब का नाम रहे। उनकी एक नज़म बड़ी मशहूर वो मैं अज तो संग सुना सा। दाना अगा चढ़ेदा दाना अगा चढ़ेदा तैया थोड़े थड़ेदा तैया सुके सड़ेदा तैया मारे कड़े मारे कड़ेदा तैया टैठे चाड़ेदा जूटा बिच में बड़ेदा दाना अगा चढ़ेदा ना में तबल हमलेदा ना में डमसा यमलेदा ना में तोरम शमलेदा ना में फूला गमलेदा ना कंडा करवड़ेदा दाना अगा चढ़ेदा और ना अड़ा दी चांगा में ना पोआ दी खांगा में ना दंदी ना गड़ांगा में ना चुका ना डांगा में ना अनकाल ना कड़ेदा दाना अगा चढ़ेदा लाटा ना चोर लाटा में लाटा ना चोर लाटा में ना शीदा दिल साटा में ना काका दड़ बाटा में ना ही मोला जाटा में ना चरसी में थड़ेदा दाना अगा चढ़ेदा नशा ना परमाटा में ना कुपी ना मटा में ना शेरा दा नाटा में ना ही कटवी चाटा में जना पुत्र जने दा दांडा गा चढ़ेदा जलसा का जलसे काल कार कराले में जलसे कार कराले में लोटे मिंबर बड़ाले में आप उठुए पाले में अपने हाथ डंगाले में खादे डंगे लड़ेदा दांडा गा चढ़ेदा जफिया ते अटकनिया नाल ते क्या मुकिया छनिया नाल गड्डी ओडी बनिया नाल गट तवीजा गनिया नाल टंगे लमके अड़ेदा दाना अगा चढ़ेदा बख्ता बेच ना परी है ना कुत्ता बुलटरी है बख्ता बेच ना परी है ना कुत्ता बुलटरी है बैठ के ना दरी है सुखी मोतबरी है रकड़ा तार अड़ेदा दाना अगा चढ़ेदा बदर ऐसा कितने चेर जूटा बिचो कड़ा सिर दांदा दे सिंह पन्ना फिर करने के ते जुलसा केर इतना ते में पड़ेदा दाना अगा चढ़ेदा दाना अगा चढ़ेदा। ए रंगा सा कर्नल फजल अकबर कमाल साहब का जड़ा मैं आज असी अपने प्रोग्राम हस्ता खेड़ दा हजारा बिच तुसा वास्ते पेश किया और तुसा सुन इनकी शायरी का मजा कह दो सी। इस ते अल्फाज इस ते अंदर एक एक जिहड़ी है वो जड़ी तरकीबा जड़े अल्फाज आसे बड़े अच्छे अंदाज बिच ना सुन पाए किते दिन ते ए उना दी एनको को एक बहुत बड़ा तोहफे और एनको ता एहसान है। और मैं तुसे को भी आखसा तुसी ये किताब पढ़ो अपनी सोहनी मिठी सुरीली सजीली सादली इस जबाना दा तुसी हर जायका चखो ते ए इना दा रंग आसा जड़ा मैं अज तुसा का पेश किया। ते इस दे नाल ही आउणा ते प्रोग्राम बिच ब्रेक दा टाइम हो गया है जुलदिया ब्रेक दा तुसा किधर भी नहीं जुलना इत्थे ही रहना है। मिलते हैं ब्रेक तो बाद। Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI-based applications.
FinTech Solutions. FinTech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust system. Big data solutions or highly accurate and customized big data solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies, improve research and precise results. AI-based applications. Artificial intelligence is a brain power for the latest business endeavors. We provide automated solutions that are capable of making fail-safe decisions at every step and improving the overall business efficiency. Other tech services, electronic payments, fraud prevention systems, customer onboarding solutions. We innovate blockchain application, AI-based analytic tools, and support systems. We treat clients as our partners. Core values, accountability, synergy, perseverance, responsibility, excellence. For making your dream project come true, please visit us at www.fu.com.pk, info@fu.com.pk. Thanks for watching. Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence-based fintech. एक दफा फिर तो सारे देखना सुनने वाले को अपने इनको दे सोने ते सुथरे प्रोग्राम अस्ता खेड़ा जारा बिच हर कदे आओ आते हैं ते हर कदे आओ अस्ता जरा तो हर कदे आओ आते हैं ते अस्ता अस्ता खेड़ा जारा जरा प्रोग्राम है इससे पहले से बिच असा आज कर्नल फजल अकबर कमाल साहब के बारे भी गल की बल्कि उन्होंने जबानी उन्होंने गल तुम कुछ सुनाई तो उनकी नजम भी सुनाई तो प्रोग्राम का दूआ हिस्सा जरा अस्त आ इस विच असी कसे ना कसम जमाना बुलाते रहने जरा आसे पासे जिंदगी दे किसी भी शोभे नाल तलक रखता होंगे कोई काम काज करता होंगे रोज जिन्हां नाल अस्ता वाह पैंदा है अस्ता नहीं अस्ते प्रामा वाह पैंदा है उन्हां को मिलना जुलना दा ते उन्हां दा जिंदगी दा के रंग टांग ते के तौर तरीके होंदे ने ते के तरीका कार होंदे उस जिंदगी दे अपने उस जिहड़े कमां विच आउंदे ने कियां करदे ने ते उह दसदे ने वास्ते वकार फानी भाई इस विच आउंदे होंदे ने मुख्तलिफ जिहड़े अस्ते माशरे दे किरदार ने उहदे रूप विच अज वी उह असां नाल मौजूद हैं अज देखते हैं कि वह किस किरदार में आए दिन असी उन्हें सवाल पूछते रहने हैं ते वो और पूछो जी करके ते असी और पूछते हैं ते उन्हें दे जिहड़े हैं काम कला ते ये चीज़ां असां को पता लगदियां रहनियां उनके तरीका है कार गे होंदे ते जुलदे हैं मिलदे हैं अपने इस प्रोग्राम और पूछो जी बिच अजय मजमान देखते हैं कौन है अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम वालेकुम सलाम जनाब अच्छा जी माशाल्लाह माशाल्लाह दोस्ता ना अपना कदे दसो नाजरीन को भी ते असा को भी जी नाजरीन ना की दसन जनाब ना ते तुसा पता ही होसी अदालत खान ना है जनाब अदालत खान ओ ओ ओ, ओ बस एक खान गुजर लम्मा करियो अच्छा कुछ ज्यादा ही लम्मा ना कर सके इतना बड़ा खान ते आजकल गुजरया नहीं बड़ा ख्याल है अपनी गल करो सुनो अदालत खान नाजरीन को मुझ मशहूर आदमी होंगे ना तुम पता ही हो सी असंग नहीं पता जिन्हें सुन तो संग बुलाया बुजुर्गो ते अच्छा ते कम काज के है तुसता कुछ कम काज जनाब मी अदालतों में जो ना अच्छा अदालत खान ना है ते अदालत में अच्छा मतलब वकील हो कौन हो तुसी जी जी जना मैं पहले स्काउट हुंदा सन ते सारे मां स्काउट आखदे हुंदे सी ते अजकल सारे टाउट आखदे न अच्छा टाउट आखदे न तुसी टाउट मतलब अदालतां विच काम करदे हो हां जी ते अदालतां विच की काम करदे हो तुसी जनाब की दसन तुसा अदालतां कचहरियां विच ते मजदूरी हुंदी है क्यों नजरीन
ਦੱਸੋ ਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਿਕਬਸ ਤੋਂ ਉੱਥਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਨੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣੇ ਨੇ ਬਸ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਲਿਖਤਾਂ ਲਿਖਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਨ ਕੋ ਵੀ ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਨਾਬ ਇਸ ਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਰੜੀ ਖੜੀ ਦੇ ਪਛਮਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਹੋਏ ਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਨੇ ਅਦਾਲਤ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗਣ ਜਾਨ ਬੱਚੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥਾ ਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਕਸਰ ਮੁਸੀਬਤੀ ਹਮਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਉਸੀ ਤਕਲੀਫ਼ ਕੋਈ ਕੇਸ ਉਸੀ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਉਸੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਸੇ ਤੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਅਗਾ तो सानो सरबाजा आगे चढ़ जुलदा इसका मतलब ये नहीं 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 ना सरबाज नहीं ते खिदमतगार है खुद जनाब खिदमतगार ते तुसते तालक ही जी दलता नाल के खिदमतगार के ते वकीलां का मैं जजां का मैं मुंशियां का मैं बाकी रजनवीस वगैरह जुड़े होने नो सारे तुसी आते हो मैं ना ते तुसते काम के आने फिर खुदा दे नुपत ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰੀਨ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸ ਕਿਸੇ ਸਿਆਣੇ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਬੈਠਦਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੈਠ ਵੀ ਨਾ ਕਰਿਓ ਉਹ ਅੱਲੇ ਦੀ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਦੀ ਭੱਜਦੀ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿੰਦੀ ਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿੰਦੀ ਆ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੌਣ ਕਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਿਸ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਕੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਨ ਕੀ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਫਿਕਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਜਰੂਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਲ ਆਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਆਨਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਿਦਮਤ ਤੇ ਅਵਜ਼ ਵੀ ਕੁਝ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਮਿਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਨਾ 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 ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਡਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣੀ ਹੈ ਜੀ ਫੀਸ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਬਸਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਡਿਪਟੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਟਲੀ ਵੀ ਬਨ ਕੇ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲਦੇ ਆ ਬਾਬੂਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਫੀਸ ਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲਦੇ ਆ ਬਾਬੂਆਂ ਕੋਲ ਬੈਠਦੇ ਆ ਇਧਰ ਜੁਲਦੇ ਆ ਇਧਰ ਜੁਲਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਡਿਪਟੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਾਲ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਬੰਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁਲਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸਾਂ ਦਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਗਏ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਨਾਬ ਹਰੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਡਿਪਟੀ ਖਿਦਮਤ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਚਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਰੇ ਦੌਂਦਾ ਹੈ ਵਕਾਲਤ ਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਆਕਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ਵੀਸੀ ਦਾ ਜਿਸ ਕੋਲ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਏ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁਨਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਦਾਲਤੀ ਦੇ ਅਲਕਾਰਾਂ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਕੀ ਦੱਸਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮਦਦ ਇਮਦਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈ ਜਾਈ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਪੈਸੇ ਗੈਨ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਹ ਜੀ ਗੱਲ ਮੁਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹ ਬੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖਿਦਮਤ ਖਿਦਮਤ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ ਡਾਊਟ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਿਆ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵੀ ਵਕੀਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲਾਏ ਦੇ ਤੇ ਡਾਊਟ ਤਾਂ ਉਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਬਣੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਣੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬਣੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਠਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਐਸਾ ਕੋ ਵੀ ਵਕੀਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੋਰਟ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਵਾਕਫ ਲੋਕ ਨੂੰ ਕੋ ਲੈ ਲੰਗ ਨਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਠੀਕ ਹੋ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਹ ਤੇ ਮੁਫਤਾਂ ਦੀ ਟੋਰ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅੱਛਾ ਸਿਰਫ ਕੱਲ ਕੋਟ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕੱਲ ਕੋਟ ਦਾ ਕਮਾਲ ਮੈਂ ਦਬ ਰੱਖੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਿਆ ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਸ਼ਿਆਲੀ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਵਕੀਲ ਬਣ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਕੋ ਆਤੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਬੜੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ
कि तुसां दी वजह तो वकालत ना हो रही है और तुसी वकील बने दे फिरदे हो काला कोट लाए दे ते तुसां को ए डर नहीं आंदा कदे बड़ी जिहड़ी वकला ब्रादरी है ने जिहड़ी सीनियर मोस्ट सीनियर उन्हां नाल बड़ी फ्री गपशप है ना जी और फ्री गपशप है ते उन्हां को भी नहीं पता कि तुसी वकील ना जनाब उन्हां को पता है अच्छी तरह पता है जनाब की इस तक की कम है वकालत वास्ते ते पक्का दे डिग्री कन्नी पेंदी है ना जनाब ओ ते तुस ते कमा दी डिग्री शिग्री नहीं तुसी इस मतलब है जेली काम कर दियो सारी वकील वकील है तो बड़ी एक लतीफा याद आ गया एक सीनियर वकील है से जनाब उने सुन केस जीते बेला केस जीते पहला केस जीते जेडे वेले फीस देने लगे ओसे ते जूनियर होसन ना पहला हां जी जनाब अच्छा वो फीस जेडे वेले देने लगे ते उने को आस्ते ने जनाब मुबारक होवे तुसा केस ते असी जीत गए लेकिन मेरी एक गल याद रखियो मेरे को छोटी मक्खी दा शहद भी हुंदे ने लेकिन उसको उसका पर्दा पाना जोग उसको छुपाना जोग या ऐसे काम करना जोग कोट शोट ला के वकालत शकालत करके छोड़ो इन्होंने गलों को गल पुछता सा पूछो पूछो जनाब और पूछो जी और ये ऐसा प्रोग्राम जड़ा है ना ऐसा खेड़दा जरा तुसी इस विच और पूछो जी विच आए दे इस प्रोग्राम आ ना ही और पूछो जी है ते ए लाइव जुलदे सारे लोग देखते हैं पूरी उस विच ते इस विच असी गल बात करदे होने आ जड़े बुलाए दे होने ते लोगों को दसते हैं कि एजे लोगों नाल भी तुसता वाह पेंदा है ते इनदा के तरीका है वारदात होंदा है ते इस विच असी सवाल जवाब करदे होने आ यानी कि इतना तुसा गल बात वास्ते जनाब मां बुलाई है सवाल जवाब वास्ते पहले ए गल दसो ना जरा गल बात ही होती है सवाल जवाब इस प्रोग्राम दा है सर ना 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 सर प्रोग्राम दा है कदी सवाल जवाब ही है तो फिर ते तुसी ना नाल ना भी बदे करो जवाब जेले वेले देवा तारक अजीज नाल ना ओह वाला नीलमगर प्रोग्राम नहीं है और पूछो जी प्रोग्राम है असी तुसन जे लोगन बुला के लोगन दसते हैं कि देखो जी हस्ते माशरे दे ए लोग ने ए ऐसे ने नाल तो संगवा पे सी कल अदालतां में जुलो तुसा अजी आए दियो तुसी टाउट ਇਹ ਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਾ ਭੁੱਲ ਜਲੋ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਛੋੜੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਤਰੀਕਾ ਵਾਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕੋ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੋਹੇ ਦਾ ਰੂਪ ਬਦਲ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਂਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜਨਾਬ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜਬੂਰ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮਜਬੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਆਂ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਅੱਜ ਅੰਕਲ ਫਿਰੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਕਲ ਸਿਰੀਆਂ ਖਵਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਸੇ ਆਗਜ਼ ਪਕੜੇ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜੁਲਦੇ ਆ ਬਾਜੀ ਕੀ ਮਸਲੇ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਬਣਾਣੇ ਮਾਂ ਦੋ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਆਉਣਾ ਅਮਦਰਦ ਬਣ ਕੇ ਜੀ ਸਦਕੇ ਕਰਕੇ ਜਨਾਬ ਕਾਗਜ਼ ਪਕੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪਕੜ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਗਜ਼ ਪਕੜਦੀ ਆ अच्छा कागज पकड़ के फिर वो कागज पकड़ दिए जनाब फिर नोट पकड़ दिए ना जनाब आखिर डिप्टी की थी जनाब ना उन्हें को वो तो सा यकीन कर छोड़ देन कि तुसी नोट कहन के काम सही कर सो बड़ी नहीं बतांदा अदालत बीच हर बंदा सादा परेशान हो जांदा वही समझदे कि अदालती आदमी है काम कर सी अल्लाह भला कर रे मजल के काम कर दे तुसी के कर दे डोमिसाइल बढ़ा के दे राइज नवीसा को किसी किस्म की दरखास्त होवे बड़ी कंप्यूटर कंपोजिंग होंगी बिल्कुल जनाब उ ज्यादा ध्यान लगती है अच्छा अच्छा हां जी ए मतलब ये तो उस नाल मुक्के दोंदे राजनवीसा नाल राजनवीसा दोंदे की मुक्के दोंदे जनाब 100 रुपए 50 रुपए दरखास्त होंदे असी 150 दे जेड़ा 1000 बार चेक इंदिया अच्छा तो कमीशन होंदे हां ते बिच 150 रुपए उस गरीब को बिच चा दे अच्छा तो हो गया ना ये तो कुछ दरखास्त लिखनी होई कुछ और जगह और इससे अलावा के तो दोंदे इस तो अलावा जनाब गवाहियां शिवाहियां भी देनी है अच्छा तो गवाही मतलब गवाही तो ज्यादातर लोग जड़े था सियाने नो तो तुसा गवाह ना पांदे होसन ते ओपरे लोग जड़े होसन जड़े बेचारे मतलब ये बारो को जाए दे था कसा झगड़ा हो गया कसे ही कुछ है घूम गई गड्डी दा एक्सीडेंट हो गया ओना को कहना है इधर अदालत अंदर ते ओना गवाही ते तुसी पैसे कहन के फिर लाजमी पैसे ते हक बनते ने जनाब हुन अदालत कोई आसान चीज है अदालत जुलना कोई आसान काम है
जज साहब एक इज्जत होंगी रिस्पेक्ट वाले बंदे होंगे जजेस साहिबान उन्होंने सामने खलना कोई आसान गल है चाचिया मामे रिश्तेदार दुए त्रीए जनाती कार्ड सारे कोल रखे दिन किसी टाइम भी किसी की भी जरूरत पे सकती है जिन्ना अच्छा गल तो पूछा कि अजकल जमानती जड़े आने जो जामन आने कोई भी किसी दे जमानत शमानत जिस ती होंगी है ते उना जामना दे ते फर्द ते कागज मंगते हैं कि उस वा के जाना है भी इस काबिल के कल जाना ना आवे ते जामन कोई बड़ी फर्द है हर टाइम नाल रख दें कार ने छोड़ के आंदे आपे कॉल होंदे ना अपने रिकॉर्ड भी रोजाना की जरूरत है ना जी रोजाना ही जरूरत है फर्द छड़े तुझे कितों आने दे जनाब तालुक तालुकात काम आंदे ना पटवारियां ना लुटना बैठना पटवार पटवारी नीरी बीमारी नीरी बीमारी उसी बीमारी दे सद के तू सा कब कारोबार लगे देते अच्छा नहीं खैर नाल बैठे ते जरा मिश्रा जेड़ा है ते आ गया ना अच्छा 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 ते ए जे काम तुसी कर दियो मतलब ये एक ते तुसा आखिया के जी ओ लिखाल दियो तुसी कुछ दरखास्त लिखा ली है डोमिसाइल बड़ा छोड़ दियो जामन शामन बन जुल ते ए जमीन दे सौदे शौदे जेड़े होने गड्डियां दे सौदे शौदे होने जमीन दे होने और जेड़े लेन देन दा कारोबार उस चो कुछ मुआहदे शुआहदे लिखना होने ते उना बिच भी हां जी बिल्कुल मायदे होने तहरीर ही मायदे होने लेकिन ये सिर्फ तहरीर बिच होंदे बाकी असी जड़ा उस तो बाद दे असी जिम्मेदार ने होंदे अच्छा मैं तो सना लेके और गल करदा ए तो संको किया पता लग जुलदा या तू किया लोग बोल जुलदन पहले से तो संको ला जुलदन बजाय आंदे उसे नु तो कसम वकील ते या कसम मुंशियन ए मुंशियन नाल भी तुस्ती कोई लैन छान हुंदी है कारियां नाल जिना मुंशियन नाल भी ते मुंशियन दे निकियां शिगिरदन नाल भी निके मुंशी भी होंगे ना अच्छा ते दफ्तर शफ्तर बिच भी जिथे सारी दफ्तर भी दुआ सलाम उठना बैठना रख रखाओ गर वली पर वली समझे चाव पिलानियां पेनी कावे पिलाने पेनी दूध जलेबियां नहीं यार ऐसी गल करो तो सच चंगी नहीं लगती थी हूं ये चंगी लगती हो सकता मूल पानी आया वो चाहती हुई जी गल न कर जनाब मथे करूटा देख के समझ जुल जाना टेंशन अच्छा उसको कह दे दे जड़ा भी आदमी जानता है कह दे दे इधर उधर फेरते रहते हो या कुछ जज जाट या कुछ बढ़ाए दे कसा दफ्तर या कोई ये चीज जा बढ़िया उसको चंगी तरह पहले फेर दे फेर दियो पहले फेर दे फिर टोर दे फिर फेर दे टोर दे अच्छा पैर टोर के हाँ जी फिर चंगा फेर दे टोर दे फिर बंदा आते भरावा मैं तो थक गई मैं लपे नहीं चिनारी तले ते पकड़ कागज ते तू आप ही कुछ कर मुआदे लिखते हो स्टाम कहते हो स्टाम नेटवर्क असल में नट नहीं भुलना होंगे पल जाने की गल तेरी गल करो बिच नट याद आ जुलदन नेटवर्क होंगे ना जनाब सारे कम छोड़ के कल तो मेरे नाल आ जिलो
जनाब अज मैं किसी का ख्याल ना रखसा कल मेरा कौन ख्याल रखसी जनाब। अच्छा अपने अपने मखसूस लोग मुकर्रर किए थे फलाना रजनवीस फलाना स्टंप फरोश फलाना मुंशी फलाना बाबू फलाना ये सारे नाल बिल्कुल तस्दीक करना पैदा बिल्कुल जनाब नोटरी पब्लिक वाले भी सलाम दुआए जनाब। मैं एक चीज इतना देखिए लोग आखते हैं जी ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਕੋ ਪਕੜ ਦਿਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਿਖਾ ਲੈਣਾ ਮਾਜਦਾ ਲਿਖਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਉਸ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਜੁਲਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਤਕਸੀਮ ਕਰਦੇ ਨਾ ਅੱਛਾ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜਨਾਬ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋ ਤਿੰਨ ਤੇ ਆਤੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਖਾ ਜੁਲਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਨਾਬ ਪਿੱਛੋ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਦੀ ਮਾਰ ਛੋੜ ਦਿੰਨ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਨਾਬ ਅਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਦੋਂਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤਕਸੀਮ ਅਸਾਂ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ इसी तरह सारे नोटरी पब्लिक कमिश्नर वकालत डिग्री उसी लाइसेंस उसी फिर औरत कमिश्नरी उसी तुम को जनाब जमजम दा पानी पे दे तुसें दा खजूरां पे दी कपड़े भी दो सूट भी आंदे ओ भी आंसे सो बजी फटाफट साइन कर गए। बाकी गलसा वक्फे तो बाद जुलदे वक्फे नाजरीन वक्फे का टाइम हो गया जुलदे वक्फे वक्फे तो बाद दोबारा मिलदे को इत ही रहने Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence-based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI-based applications. Fintech Solutions. Fintech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust system. Big Data Solutions or highly accurate and customized Big Data Solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies, improve research and precise results. AI-based Applications. Artificial intelligence is a brain power for the latest business endeavors. We provide automated solutions that are capable of making fail-safe decisions at every step and improving the overall business efficiency. Other tech services, electronic payments, fraud prevention systems, customer onboarding solutions. We innovate blockchain application, AI-based analytic tools, in support systems. We treat clients as our partners. Core values, accountability, synergy, perseverance, responsibility, excellence. For making your dream project come true, please visit us at www.fu.com.pk, info@fu.com.pk. Thanks for... और पुछो जी हस्ता खेड़ दा हजारा प्रोग्राम दे सेगमेंट बिच वक्फे तो बाद एक दफा फिर सारे देखना सुनने वालियां को हर कदे आओ आते हैं ते अज असा नाल जड़े हैं एक अदालतां बिच जड़े टाउट होने हैं ये असा आप समझ नहीं आती ये टाउट गिरी किया करते हैं के लेकिन अज उन्हां दियां गल्लां तो अंदाजा होंदा है कि उन्हां दे के
किस किस गल तलक होंगे किया उनका तरीका है वारदात होंगे किया अपनी कार्रवाई पाने और आम जरा आदमी जो पहली दफा दलती को आंदा है या ग्रां का कुछ इधर मुसीबती का मारे का आंदा है अगो इन्हें पग्याणा है तार तार जुड़ता है तो यह उसको जिया लुटते गल शल पुछते आते इन्हों गल होंगी कि आते कि सारे दफ्तर लैन होंगे रिजाई तो मतलब यह है वो आते होंगे कालिया पैडा होंगे हर हर शोबे हों अदालतों के शोबे भी होंगे दफ्तर भी होंगे वकीलों भी होंगे और जितने भी इसते शोभा जिंदगी है हर रिजाई तो यह ब्लैक शीफ जिन्हें कालिया पैडा असि आते होंगे जिन्हें वजह तो बस से ज्यादा बदनाव जुलदी बस चीज़ा बस महकमे बस शोबे वो असल लोग होल्ड में आ जुल दिन उस वजह तो जरा यह होंगे और गल कोई नहीं तो इन्हें गल करते नाजरीन के दफ्तर में सारिया को खिलाना पिलाना लैन रखनी उन्होंने गमी खुशी में सारा शरीक होना तो तुसा ये गल्ला बड़िया सुनिया जिन्हें मैं नाजरीन नाल हुण कीतियां तुसते हवाले नाल ते और के होंदे तुसा आखिया कि सारी ये सारिया गल्लां तुसां दियां सच भी नहीं कुछ ठीक है कोई 95% सच भी हो सन लेकिन गल ये ना जनाब हरी जाई रिश्वत खोर नहीं होंगे सारे लुंदे ही नहीं होंगे भुखे नहीं होंगे रजे दे लोग भी होंगे मेरी गल की थोड़े जो दुए होंगे तो सो जुड़े यही गल है कोई रजे दे होंगे कोई कजे दे होंगे कोई खाली एवं बस भजे दे होंगे तो सो हरी किसी हैं जनाब खुश करना पेंदे बस तरीका ही होंगे बस लोगों की मुठ्ठी गर्म करनी पेंदी है बस लोग जेब गर्म करना पेंदे ज्यादा देनी पेंदे ते बड़े बाद लोगों को सिर्फ सुक्का मस्का लाना पेंदे जी सदके करना पेंदी मिन्नत जारी है अच्छा 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 बस इसी तरह तो उसका काम टूटता रहता है मस्का लाना पेंदे ना जिन्ना बाज लोग होते हैं जड़े मस्के दे आदि होते हैं मस्के बगैर उन्हें चस्का ही नहीं आता चस्का गल सुनो बड़ी गल क्या चस्के तो याद आई वो गाना सुने थे नहीं रुलते गए हैं पर चस बड़ी आई है रुलते गए हैं पर हम ये गाने ना सुनना होता जी कुछ ये गाना सुनना होता बढ़ाए सिलसिला तौबा तौबा पुछता क्या गल कि तोड़ सकते हो मेरा भी यही इरादा है जब तक माशाल्लाह जवान हो गए मुछा नीलियां हो गई उसदियां ते हुण इस तों बाद उसी काम संभालने ते जाहिर है तौबा ही करनी है साडे नाले दे लोग बड़े बड़े इसी तरह करदे सारी उम्र खा खा के रिश्वतां जनाब आखिर भी नमाजा ते जोर ते फिर डुबे कुंजे दे ते फिर बच्चियां ते पहले कर रहे हैं ना पहले ना आखर पे बुढ़े हो यार बाल चिट्टे हो ने तो फिर नेकियां याद आती हैं अदालत खान में गल तो अदालत खान अदालत में बेचूं दे जनाब गल कर से सीधी सच्ची ठोक बजा के तो रामा नल सच्ची गल सच्ची गल ना करने हुए थे कूड़े काम कर रहे हैं आई गल अदालत खान इतना आके जज्बाती हो गए मैं तो उसके कमाए बारे तो उसके बारे में पूछता तो उसी अगर लोग तो फिर गए होगे जी फलाना भी ये कर दे तो फलाना भी ये कर दे तो फलाना जनाब तो उसी आप रीत दार हो आजकल दी रीत रिवाज है जनाब हर बंदा इसी तरह कर दे दूए के नुकता चीनिया अपने गरबान भी कोई नहीं देखता ना ते तो सी देखते हो ना जनाब असं देखने की क्या लोड़ है मैं गरीबान भी देखा तो मुड़ के जनाब गरीबान च मुंह बाहर करने जोगा रे भाई नहीं शर्मे नाल फिर किसी नाल असी अखियां ना मिला के हां अखियां की मिला के जड़ी चंगे काम इन जड़े काम असन लोकन दी ना तुसी अपने गरीबान भी देख सकते हो ना अखियां मिला के अखियां ते हर वक्त दुनिया दे जेबे बेरेनियां नो गरीब मजलूम जड़ा लुटे कुटे दा मुसीबत मारे दा जिस नाल कोई मुसीबत होई दी हुंदी है जड़ा कसे तकलीफ है फसे दा आन के था पहुंचते वाते था मरे नाल इंसाफ होसी मरे नाल लोगन दी हमदर्दी होसी ए जड़ा है इंसाफ ता शोबे अदालत ता शोबे ते अगा तुसा नाल हो जड़े हैं ना जनाब असी हुन की करन नजरीन तुसी आप ना दस सुपलमान आदमी को तुसी आप दस जनाब लेकिन के बच्चे नणे ती असी बेरोजगार फिर दे रहे मा घर दे रहे मा जनाब असी रोटी टुकड़ा ना खावा असन दा हक नहीं बनदा असन ते कुछ खाने पीने दा ओ हक ते बनदे लेकिन हक लाल दिखाओ ना हां हक लाल दिखाओ सी हाथ अच्छा तुसा ताली वाली भी कुछ कीती थी या सुकेता चल निकले काम हा जैसे काले कोट पाए तो देखे वकील साहब आ गया तो समझी बिल्कुल तलीम वाले पास में कोर रही हूं जनाब
पढ़ के सुना फिर कर दे होंगे फिर अस बहाना कर छोड़ते हैं इस तरह करके नेड़े दी एनू की जिहड़ी है दूर छोड़ आए हैं कदू तक तुम सिलसिला टुरद रहे कदे तो पकड़ना उसो नहीं बदनाम करते तरह मुंशी जेड़े हैं अपनी उस एसोसीएशन है उस करते हैं कि यह टाउटा कोई तो कढ़ना है को तुम कौन बचा पकड़ना कभी भी बड़ी को अपने नसीब बचा हां तो नसीब क्या बचा नसीब बड़ी कदम पकड़ा ही नहीं दी किसी को जनाब जनाब टाउटन सरबाज जनाब आर्डर हो गया पकड़ो इसको मैं फिर बड़ी हुए नसिया पुलिस वाले पहले तो थानेदार सुन मुछा वट के आखे छोड़ियो ना इसको अच्छा छोड़ियो ना पीछे पीछे ते मैं अग्गा अग्गा पुलिस वाले पीछे पीछे ते मैं अग्गा अग्गा अच्छा पुलिस वाले पीछे पीछे ते मैं अग्गो मुझे अग्गा निकल गया बहुत अग्गा निकल पुलिस वाले पीछे थानेदार सुन आखे ना छोड़ियो फिर आखन लगे छोड़ सो हुन की अच्छा खैर नसना भी मते वैसे लगदे छाट लियो तुसी नसना भी जनाब नसना भी ते इनाम मिले नसना को नसना भी या नचना भी सुनिया मैं नसना के नचना के ये बड़ी नचना दी तो गल याद आई मैं ये मुको नचना के तो सा काफी दिहाड़ी हो गई बड़ी कोरोना जदन दा शुरू होए फंक्शन मंक्शन जनाब पहले को शुगल मेले लगे तो होंदा ऐसा आदमी चले जुल तो होंदा ऐसा एंटरटेनमेंट वास्ते आजकल तो सारी तकरीबात ही खत्म हो गई जनाब अच्छा नसना भी तुसी मुझ तेज हो बड़ी तेज जनाब नसना भी तेज अंदर नंबर रे जनाब एक दड़ा जो सी कि तुसी वलके बेच आसो पकड़ना सो ते फिर ना नसना दे रहे सो ते ना कसक मुंह दसना दे रहे सो ए मैं तुसन दस के ना ते नाज़रीन मैं तुसन नाल गल करदा तुसन सुना देना जी गल्ला सुनिया जेड़े असन दे अदालतां विच जे लोगां नाल भी तुस ता वाह पैजुल सी ते जेड़े कदे कसे सामने वकील बणे दे होसन लेकिन वकीलों दे है कि छप लुक के कसा ए जे जने सादे जी को ठग सन ओ समझ सी बेचारा वकील है कसा जई मुंशी बणे दे होसन कसा जई अदालती अहलकार बणे दे होसन कसा जई पुलिस वाले बणे दे होसन ए मुख्तलिफ रूप बदल दे रहंदन ते तुसी भी जिस ती कोई भी काम होवे चुग बल्कि इस ती कैपी गवर्नमेंट सुन ते जेड़ा है और पहले स्टामा वाला काम होंदा सोना सोनो स्टाम दा भी बकायदा जेड़ा है तरीकेकार सीरियल नंबर दे के वो इशू होने ओ सीरियल था जुलसन ताकि ए दो नंबरी नो आके जड़ी ये कर देन वो ना पुछना आसा लेकिन असा प्रोग्राम दा चूके टाइम खत्म होने वाले हों ते फिर कदे असी इन बुलासा ते ना पुछसा कि असी कैपी गवर्नमेंट सुन जड़े मुख्तलिफ इस तरह बनाएन सारे जो जड़े कानून हुण बनाएन ते उस विच ते ना बड़ी मुसीबत गुजरदी हो सी ते ना जो बड़ी तकलीफ हो सी ते लेकिन मैं तुसा अगर भी अर्ज करसा कि निकिया निकिया गल्ला कहन के अदालत ना पहुंच जुलद करो जिस ती को जैसे पहले आप भी बैठ के गल मुक्ति हो तो ठीक है फिर जो लोग कसा अच्छे वकीला नाल कसा अच्छे उस नाल मशवरा करके वो जो है मशवरा देवें तो उस तो बाद वो काम करो तो यह जहाँ लोगों से जान बचाओ यह जो लोग न सिर्फ अदालतों में बस बल्कि असं कुहारी जी मिलते हैं तुम पहले तो आंदा से लाइसेंसा वाले को जो लोग अगर बैठे तो इन्होंने वाले को अपने जो थो बनते पासपोर्ट इतना बनते पैसे कहते तो ये असी आखसा कि इन असी जान बचाओ और इस पर तुम अपनी अखियां खुलियां रखनी है और अजिहा लोगों से बचा आपा को बचाना है तो इस नाल ही आने अस्ते इस प्रोग्राम टाइम खत्म हो गया है तुम असी इजाजत कहसा अपने मेजबान शाह जी को इजाजत दसो अल्लाह हाफिज़।